हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है राम कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर आपको एलिवेशन जो टाइल्स आती है वो टाइल देखने को मिलेंगी। उसके बाद में साथ ही में यहाँ पे जो विंडो डोर फ्रेम में ग्रेनाइट और टाइल्स का जो कॉम्बिनेशन लिया हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यूट्यूब चैनल के ऊपर नए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे अभी पहले एलिवेशन टाइल्स दिखा देता हूँ आपको टोटल, और भी ऐसी नई नई वीडियो मिलेंगी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ पे पहले 12-18 की जो एलिवेशन टाइल्स दे हैं वो देख सकते हैं, जो मैट फिनिश के अंदर आती है वो देख सकते हैं टोटल। और उसके बाद में ये पूरा एल शेप से लिया हुआ है पूरा कंप्लीट। यहाँ पे जो भी देख रहे हैं एलिवेशन के अंदर टाइल्स, ये पूरा एक ही कलर का टाइल्स है, मैट फिनिश का टाइल है 12 इंच बाय 18 इंच का। और अभी यहाँ पे इसका जो डोर आता है डोर भी दिखा देता हूँ, फ्लोरिंग में कौन सा टाइल्स लगे हुए वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसा इसके अंदर टाइल्स लगा हुआ है। पहले ये डोर देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर ब्लैक ग्रेनाइट और फोटो फ्रेम के अंदर फिटिंग किया गया है, और वाइट कलर का जो टाइल्स आता है प्लेन वाइट का वो इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा टिकली टाइप में फिटिंग किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिंगल मोल्डिंग के अंदर फिटिंग किया गया है, इसको सिंगल मोल्डिंग लिया हुआ है, एल शेप से है, एक साइड से इसमें दीवार आ जाती है तो एल शेप से इसको पूरा फोटो फ्रेम लिया हुआ है। कॉर्नर में भी देख सकते हैं इसका जो जॉइंट है, जॉइंट किस प्रकार से क्रॉस कटिंग करके मैच किया हुआ है, और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे अभी ये जो विंडो आती है विंडो के अंदर ली हुई है। चार जो कोने होते हैं कॉर्नर में, यहाँ पे ये डिजाइन बना रखी है टाइल्स का, बाकी पूरा वो ब्लैक ग्रेनाइट है, सिंगल पट्टी के अंदर ही फिटिंग किया गया है। इसको डबल पट्टी में भी ले सकते हैं, सिंगल पट्टी में भी ले सकते हैं। अभी एक साइड से और दिखा देता हूँ आपको मैं, ये टाइल्स है जो प्लेन वाइट टाइल्स आती है वो टाइल है ये देख सकते हैं, और बाजू से जो देख रहे हैं ये ग्रेनाइट का पट्टी लिया हुआ है। और ये पूरा मैट फिनिश का टाइल्स है। एक साइड से और दिखा देता हूँ आपको मैं, ये साइड से भी वही तरीके से लिए इसको पूरा टाइल्स लगाया हुआ है, और विंडो को भी वही तरीके से इसके अंदर फिटिंग किया गया है ग्रेनाइट और टाइल्स। तो ये ऐसे एल शेप का पूरा एलिवेशन है इसके अंदर, कम से कम भी 500-600 स्क्वायर फुट का ये एलिवेशन है। इनके और भी काफ़ी वीडियो हैं इस घर के जो आपको देखने को मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर।